ग्यारहवीं शरीफ का खाना खा सकते हैं। हसनैन खान टेक्सला से, क्या ग्यारहवीं शरीफ का खाना हलाल है या हराम? देखें, खाना अगर हलाल पैसों से बना है, अल्लाह के नाम पे बना है और उसका मकसद था शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह को सवाब पहुंचाना, तो खाना बजाते खुद तो हलाल है, यानी उसमें कोई हराम का अंसर नहीं है जाहिर है। लेकिन अगर आप वो खाना कबूल करेंगे और घर बैठ कर तबीयत से उस खाने को फोड़ेंगे तो एक बिदत की ताईद होती है, क्योंकि हमारी राय में ये ग्यारहवीं शरीफ और बारहवीं शरीफ इस तरह के जितने मुतय्यन दिनों के खाने ये बिदत हैं, असलाफ में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। कोई एक वाकया बताएं, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल पर हजरत उमर ने पूरी जिंदगी में कभी उनके नाम पे ग्यारहवीं शरीफ की हो या उनके नाम का खाना खिलाया हो, या हजरत उमर की शहादत के बाद ये काम किया, या हजरत अली के बाद, या हजरत उस्मान के बाद, कहीं भी हमें कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। अइमा अरबा से दिखा दें, इमाम हनीफा के इंतकाल पर इमाम अबू यूसुफ ने उनके नाम पर, इमाम अबू हनीफा का मकाम तो शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह से करोड़ा गुना बड़ा है, इमाम शाफी का मकाम तो शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह से करोड़ा गुना बड़ा है, तो उनके नाम पर भी कभी किसी ने नहीं की और आज भी नहीं करते, तो हजरत शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी खाक के बराबर भी नहीं, वो हमारे बुजुर्ग हैं। मगर और उन्होंने खुद भी ये बात नहीं कही, हजरत शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं भी खुद भी ये तरगीब नहीं दी कि मेरे बाद ये सब कुछ किया करो। तो ये बात के लोग हैं जो अकीदत में गुलूफ का शिकार होकर इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो हमें इस्लाम को देखना है, जो इस्लाम ने जैसे कहा, तो अगर आप ये खाना कबूल करके खाएंगे तो एक बिदत की ताईद होगी, इसलिए इसे इज्तनाब करना लाजिम है। और मोहब्बत से समझा दिया करें, फट्टेबाजी ना करें किसी से, और ऐसा ना हो कि खाना आप जो है ना वो कोई आए और मुंह पे वापस करके एकदम ज़रा बदतमीज़ी से वापस करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब वो कोई खाना लेकर आता है तो आप उसको बहुत प्यार मोहब्बत से समझाएं कि भाई देखें, आपके जज्बे की हम कदर करते हैं, आपने एक बुजुर्ग की अकीदत मोहब्बत में ये काम किया है और इसकी बेस गलत नहीं है, हम आपके जज्बे की कदर करते हैं, माशाल्लाह आपको बुजुर्गों से अकीदत है, मोहब्बत है, बड़ी खुशी हुई। लेकिन देखिए, इन बुजुर्गों के भी यही अहकाम हैं और अल्लाह रसूल का भी यही हुक्म है कि हमें अपनी इबादत को इतना करना है जितना अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और उसी तरीके पर करना है। तो काइंडली मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ये खाना ले जाइए, गरीबों में बांट दें, और फिर भी वो इसरार करें नहीं लो नहीं लो, तो आप कह दें ठीक है मैं ले रहा हूँ, मगर मैं खुद किसी गरीब को सदका कर दूंगा ये कह के ले रहा हूँ मैं, कि और मैं इस रस्म को ठीक नहीं समझता। तो मेरा मतलब ये है कि फट्टेबाजी ना करें बस, और तमीज़ से मोहब्बत से समझा दें और ख़ुद पतली गली से निकल जाएँ।